मुंबई के सायन कोलिवाड़ा विधानसभा के विधायक तमिल सेल्वन के नेतृत्व में माटुंगा महानगर पालिका कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिसमें महानगर पालिका एफ उत्तर विभाग कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया था। आपको बता दें, विधायक तमिल सेल्वन ने महानगर पालिका व महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ यह मोर्चा निकाला था, जिसमें विधायक तमिल सेल्वन ने महानगर पालिका के सामने यह मोर्चा निकाला था। विधायक तमिल सेल्वन ने बताया कि महानगर पालिका व महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नगर सेवक के वार्ड का काम नहीं कर रही है। उनके लिए वार्ड ऑफिसर सब पूरा डिपार्टमेंट तैयार है। आमदार नया शौचालय या टेंडर लेके चालू करेगा तो वो नहीं कर सकता है, ये भी विषय है। दूसरा विषय मैं बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 176 में एक शौचालय बंद पड़ा है 6 महीने से, 2 शौचालय छोड़ दिया, जनता किधर जाएगा? एक तो ये बीएमसी ऑफिस में आके शौच करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। तू तुम्हारे घर पे मैं शौचालय जाने के लिए आया, मेरे को छोड़ दो, नहीं तो मेरा शौचालय ठीक करो। ये विषय के लिए आंदोलन है। आमदार काम नहीं कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कारपोरेटर काम नहीं कर सकता है, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस वो भी काम नहीं करेगा। काम का माध्यम से जनता को तंग करेंगे, शौचालय बनाएंगे, ताला मार के रख देंगे, इसके लिए आंदोलन है। कई टेंडर को रोक कर रखा गया है। वहीं सायन कोलिवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत कई शौचालय बंद हैं और सायन कोलिवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। सायन कोलिवाड़ा में महाविकास आघाड़ी व महानगर पालिका की तरफ से वैक्सीन कम मिल रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को कोरोना का टीका पूरी तरह नहीं लग पा रहा है। वही विषय में आपको तो बताया, बारिश में तकलीफ हुआ, उनको साथ नहीं, और जो है 500 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का विषय नहीं किया है, तो कांग्रेस वाला का एक न्याय हो रहा है यहाँ पर, और जो है मेरा नगर सेवी का 3 यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी का, उनका एक न्याय हो रहा है, और जो हम लोग का शासन का अंदर कितना फंड शिवसेना को देंगे पालक मंत्री, उतना फंड जो है दूसरा पार्टी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी आमदार को कारपोरेटर को नहीं देंगे। शौचालय बांधेगा ये लोग, ताला मार के रखेगा, पानी 1 बजे आएंगे वो तो पूरा रात को उनका नींद खराब करके पानी पकड़ेगा, दूसरा दिन गरीब मेरा जनता काम में नहीं जा सकता है। ऐसा अनेक विषय है, कोलिवाड़ा ब्रिज में उतरो आप, एक एक सेकंड सोच सोच के गाड़ी चलाना पड़ेगा, पूरा रास्ता पूरा खराब हो गया है, कोलिवाड़ा ब्रिज का नहीं पूरा जगह रास्ता कट्टा कुट्टी हो गया है। पहले क्या है, टेम्पररी बीएमसी का तरफ से रोड ठीक करने का पूरा स्क्वाड आता है, काम होता है, अभी नहीं होता है। तो कितना अपना जो लॉकडाउन में तकलीफ हुआ उनको सरकार क्या दिया, पंतप्रधान साहब रेशन दिया, माजी मुख्यमंत्री साहब जो है वैक्सीन का व्यवस्था किया है, पंतप्रधान साहब पूरा हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में सब वैक्सीन का व्यवस्था किया, मुंबई महानगर पालिका वो लेके देने में तकलीफ है, वो लेके देने में कंफ्यूज है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसी माध्यम से सब जो है मोर्चा है, फंड कम दे रहा है, इनका सुनवाई नहीं हो रहा है, जनता का कंप्लेन लोक प्रतिनिधि के पास आएगा, लोक प्रतिनिधि कंप्लेन मुंबई महानगर पालिका करेगा, सुनने में कोई नहीं, किधर किधर खड़ा हो कि अपना जो है एनसीपी वो कांग्रेस वो शिवसेना वो कारपोरेटर फोन करेगा तो सुनता है, अधिकारी सब शिवसेना का साइड पहुंच गया, अधिकारी कॉमन होना चाहिए, सबके लिए न्याय एक ही सरीका देने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आ रवि राजा बोला तो आमदार का शौचालय चालू करेगा तो रुकाओ, 1 महीना 2 महीने के बाद टेंडर पास करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, उनका हाथ में कानून है, और कितना दिन है, 6 महीना है, 6 महीने के बाद मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा, कभी रवि राजा किधर जाएगा? अन्याय अन्याय जाति दिन नहीं चलेगा, वापस एक एक हफ्ते का एक एक बार एक एक महीने का एक बार अपना मांग पूरा होने तक मुंबई का अध्यक्ष सन्मान्य मंगल जी, भारतीय जनता पार्टी का अपना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, पूरा जो हम लोग का जो सब मिलकी अपना मांग पूरा करने का उनका आदेश मिलेगा, वो हिसाब से हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।